Sir, first of all, I'd like to start my question by saying that in the answer it has been mentioned that in principle approval for 100% disinvestment of RINL along with its subsidiaries has been agreed, sir. But I would like to say that we, on behalf of the people of Andhra Pradesh, totally oppose the 100% disinvestment of this plant. The central government also needs to understand that 16,500 farmers donated to the tune of 22,000 acres for establishment of this plant, sir. The central government didn't come to Vizag to establish the plant. The people of Andhra Pradesh, not just present Andhra Pradesh, but including Telangana, all the Telugu people fought so that the plant will come to Andhra Pradesh, especially Vishakhapatnam, so that the people, the youth will get jobs, sir. 16,500 farmers may say, 8,200 लोगों को ही जॉब मिला है, 8,300 लोग अभी बाकी है सर. देन हाउ विल द सेंट्रल गवर्नमेंट एंश्योर दैट दिस 8,300 पीपल विल गेट जॉब्स? इवन द न्यू नोटिफिकेशंस आर नॉट रिलीजिंग राइट नाउ बिकॉज ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट एंड ऑल्सो नो प्रमोशंस आर बीइंग गिवन. सो व्हाट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, हाउ विल द सेंट्रल गवर्नमेंट एंश्योर दैट द पीपल हु हैव डोनेटेड लैंड आर गोइंग टू गेट जॉब्स इन द फ्यूचर, सर? सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. We totally oppose the 100% privatization of this plant, sir. ये सरकार का जो निर्णय है ये बहुत ही उचित निर्णय है, और जैसा बता रहे थे वो कि 16,000 से अधिक जो किसान है उनकी जमीन ली गई थी और उसमें सहमति बनी थी कि 5,000 लोगों को नौकरी दी जाएगी, और आज की तारीख में जैसा वो खुद बता रहे हैं 8,000 से ज्यादा लोग जो डिस्प्लेस्ड हुए हैं उनको नौकरी दी जा चुकी है. इसके अलावे भी उनको जितनी तरह की और सुविधाएं हैं उनको उसमें कंपनसेशन दिया गया था, उनकी आवाज़ की सुविधा दी गई थी, उनके और भी जो है आरएनएल की तरफ से हर एक फैमिली को 1,750 रुपये दिए गए थे. इसलिए जितनी भी सुविधाएं थी वो दी गई है, और ये प्लान कैसे आगे और अच्छा से काम करे, कैसे इसमें कैपिटल और लगे, कैसे एफिशिएंसी बढ़े, कैसे ये मॉडर्नाइज हो, इसके लिए जरूरी है कि इसका जिस इन्वेस्टमेंट का जो निर्णय लिया गया है वो उचित है. और साथ ही मैं भी बताना चाहता हूँ कि 1999 से 2002-03 में जितने भी हमारे डिस इन्वेस्टमेंट के केसेज हुए थे उसमें 11 जो केसेज हैं, अभी आप 2019-20 का जो सर्वे देखे, इकोनॉमिक सर्वे, उसमें देखा गया है कि प्री जो हमारा डिस इन्वेस्टमेंट था और पोस्ट डिस इन्वेस्टमेंट था उसमें बहुत अच्छी जो है प्रगति हुई है. इसलिए ये सबके हित के लिए है, और इसलिए इसका फिर से पुनर्विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है. Konkan Railway project, Konkan Railway has acquired various land in Apta to Roha, but eventually these railway stations were included in Central Railway, and the people who were affected by this project have not been recruited by the both Konkan Railway and the Central Railway. Whether the government has plans to resolve this issue and give justice to the project affected people by providing job, one, and is that cess collected? Cess amount collected on diesel is distributed to different zones of railways, but no amount is allocated to Konkan Railways. Whether the government has any plan to allocate to the share to the Konkan Railway for different infrastructure works in Konkan Railway, like Veer to Mahad new railway line project, Chipun to Karad new railway line project, and any budgetary provision can be made. Adhyaksh Mohoday, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूँ कि कोंकण रेलवे एक कॉरपोरेशन जिसका गठन 1990 में हुआ है, और जिसमें भारत सरकार का शेयर 51% है, भारत सरकार का 22% है, गोवा का 6% है, और कर्नाटक का 15% है, और केरल का 6% है. ऐसा नहीं है कि कोंकण को रेलवे को महाराष्ट्र सरकार ने कोई भारत सरकार ने कोई मदद की नहीं, ऐसा नहीं. अध्यक्ष महाराज, 2021 में, वर्ष 2021 में 235 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने कोंकण रेलवे को मदद की है, उसके बाद 380 करोड़ रुपए कोंकण रेलवे को केंद्र सरकार ने आज तक मदद की है, इसके बाद भी महाराष्ट्र सरकार उसको मदद कर सकती, क्योंकि ये कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन है, ये झोन नहीं हमारा. लेकिन हमने उनको बार बार 380 करोड़ रुपए की मदद कोंकण रेलवे के लिए की है. सर, कैन आई आस्क ऑनरेबल मिनिस्टर दैट कोंकण रेलवे कैन बी मर्ज इन इंडियन रेलवेज, वन,
एंड अनदर थिंग स्पेशली कराड टू चिपून एंड वैभववाड टू कोल्हापूर दीज प्रोजेक्ट्स आर वेल इम्पॉर्टंट फॉर द कोकण एरिया टू कनेक्ट वेस्टर्न घाट सो फॉर दैट ऑल्सो एनी बजेटरी प्रोविजन कैन बी मेड थ्रू द बजेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. अध्यक्ष महोदय, सम्मान्य सदस्य ने सूचित किया है कि कोकण रेलवे को भारतीय रेलवे में समाहित किया जा सकता है क्या? अध्यक्ष महाराज, आज के तारीख में ऐसा कोई विचाराधीन नहीं है, लेकिन भारत सरकार हमेशा के लिए कोकण रेलवे को मदद करती आ रही है. शायद जो जो रेलवे स्टेशन पे गाले मिल रहे हैं लोगों को कुछ चीजें बेचने के लिए, तो जिनकी जमीनें गई है उन लोगों को अगर उन रेलवे स्टेशन पे दूध, फल, चावल या कुछ रेलवे के कैंटीन की सुविधा उन लोगों को प्रायोरिटी मिल जाए तो उनको भी रोजगार मिल जाएगा. और हर एक बच्चे को अगर कुटुंब में जिसकी जमीन गई है उसको अगर नौकरी मिलेगी रेलवे में तो उनकी जितनी भी आमदनी कम हुई है उनको नई आमदनी मिलेगी. क्या सरकार इसके बारे में कुछ विचार कर रही है? सम्मानित सदस्य की सूचना बहुत ही अच्छी है, लेकिन जिनकी जमीन गई उनको मुआवजा केंद्र सरकार ने दिया है, लेकिन आज के तारीख में ऐसा कोई प्रावधान नहीं. उसकी एक पद्धति है, उसके टेंडर निकालते हैं, अगर वो उस पद्धति से अगर आते हैं तो उनको उसका फायदा मिल सकता है. माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 मेगा हैंडलूम क्लस्टर जो है अनाउंस किए सर, और उसके लिए पैसा दिया. उसमें से 1 मेगा हैंडलूम क्लस्टर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी गोड्डा में है सर, उसके लिए 100 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया, जिसमें कि 20% पैसा जो है राज्य सरकार को लगाना था. झारखंड सरकार पिछले 2 साल से कोई पैसा नहीं लगा रही है और वो 20% नहीं दे रही है. इसके कारण वो प्रोजेक्ट जो भारत सरकार ने पैसा दिया वो सब कूड़े के भाव में चला गया और वो करप्शन की भेंट चढ़ गया. मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से ये मांग है सर कि क्या इस प्रोजेक्ट के बारे में भारत सरकार को जानकारी है, और जानकारी है तो क्या इसकी CBI जांच कराएगी? अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से हमारे सदस्य ने ही बताया कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, जो भी योजना का वो स्टेट को करना होता है, केंद्र सरकार जो अपनी योजनाएं बताती है वो उसमें राज्य सरकार का योगदान होता है, तो उन्होंने खुद कबूल किया है कि राज्य सरकार ने अपना योगदान नहीं दिया और ये इससे रिलेटेड भी नहीं है. लेकिन अब नई कई सारी योजना बन रही है. मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला और लोगों से जुड़ने वाला सेक्टर हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जुड़ते हैं. और इसके लिए कई योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने बनाई है, जिनका उनको भविष्य में लाभ मिलेगा. मैं माननीय टेक्सटाइल मिनिस्टर से जानना चाहती हूँ कि हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में कला और कलाकार बहुत ही प्रसिद्ध हैं. उसमें से मधुबनी पेंटिंग बिहार के, कलंकारी आंध्रा के, और पटचित्र उड़ीसा, और वर्ली आर्ट महाराष्ट्र का. इन सब कलाओं को आप लोगों ने टेक्सटाइल प्रोडक्ट द्वारा उसके माध्यम से बढ़ावा दिया है, जो बहुत सुंदर से साड़ी भी बनती है और वॉल हैंगर्स भी और अन्य बहुत चीज़ों में काम आता है. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारे ब्रज क्षेत्र के मथुरा वृंदावन के बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन कला है सांची आर्ट, उसे भी इस टेक्सटाइल प्रोडक्ट में यूज करके उसका बढ़ावा देने का आपका विचार है या नहीं है तो आप विचार कर सकेंगे? ये हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए सवाल है, और इसमें हमारी पूर्व टेक्सटाइल मंत्री स्मृति जी ने बहुत अच्छे से काम भी किया है. आज उनका जन्मदिन है, मैं हम सबकी ओर से स्मृति जी को बधाई देती हूँ. जिस तरह से हेमा मालिनी जी ने बताया कि कई कलाओं का साथ में लेकर हम लोगों ने उनकी कला को प्रदर्शित किया है, तो जहाँ जहाँ जो क्षेत्र में वीवर सेंटर होते हैं वहाँ डिज़ाइन सेंटर होते हैं, उनको किस तरह से उनको ट्रेनिंग मिले, किस तरह से अच्छे से ग्लोबल मार्केट कैच करने के लिए वो काम करें, इसके रिलेटेड बहुत सारी संस्था चलती है. अगर हेमा मालिनी जी से अगर कोई प्रपोजल आता है मथुरा के लिए तो हम उसके बारे में भी जरूर सोचेंगे. जनाब, हैंडलूम जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा बड़ी इम्पोर्टेंस रखता है. सर,
कारपेट और शाल वीविंग का दोनों सेक्टर का रेगुलेट किया जा रहा है। ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के प्रति इनकी क्या संवेदना है कि एक माननीय सदस्य जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्पों के बारे में, कलाकारों के बारे में बोलना चाहे, कुछ प्रश्न पूछना चाहे, और ये कांग्रेस पार्टी और उनके मित्र दल जम्मू कश्मीर के साथ ऐसे ही अन्याय करते आए, वर्षों तक करते आए, और जनता ने उनको सबक बार बार सिखाया। आपके माध्यम से मेरे रेल मंत्री जी से निवेदन है कि 2018-19 में उस बजट में किसड़ में दो एक्सीलेटर और एक लिफ्ट का उसमें घोषणा करी थी और बजट में वो पास किया हुआ था, परंतु मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय जी के निर्देशन में अभी 20 तारीख को डीआरएम साहब जयपुर से और सारे वहाँ अधिकारी आए थे और उन्होंने दो एक्सीलेटर और एक लिफ्ट के लिए उन्होंने हाँ भर ली है। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्री महोदय जी का और सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि 18-19 में वहाँ पर एक सीटर और एक लिफ्ट सैंक्शन थी, लेकिन स्टेशनों पर एक्सीलेटर का प्रावधान की जो नीति में संशोधन हुआ और जहाँ पर 25,000 लोगों की आवाजाही वहाँ देने का प्रावधान था, लेकिन अभी माननीय सदस्यों ने बोल दिया कि हमारा सैंक्शन हुआ है, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 2018 में बजट में घोषणा हुई थी जयपुर सवाई माधोपुर रेलवे का दोहरीकरण के बारे में 950 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन आज तक ये काम चालू नहीं हुआ है। ये काम कब तक चालू हो जाएगा, इसका मैं जी से जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष हमारा सभा पटल पर रखा है कि अभी रेलवे अनुसंधान विभाग ने एक ऐसी प्रणाली विकसित की है जो दुर्घटना को रोकने के लिए कारगर सिद्ध होगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ये प्रणाली कब तक पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगी और पूरे देश में कब तक लागू होगी, ये जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है गवर्निंग का, ये अभी अध्यक्ष महाराज ये प्लानिंग स्टेज पे है। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश, आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।